नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कैंची धाम में किए बाबा नीप करौली के दर्शन। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कृषि संग्रहालय का भी किया भ्रमण। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा, चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 75 लाख तक पहुंचने की संभावना, सरकार ने किए हैं पुख्ता इंतजाम। मॉनसून के पहुंचने से पहले चार धाम यात्रा मार्गों पर समस्याओं से निपटने का लोक निर्माण विभाग ने बनाया प्लान, तैनात की जाएंगी जेसीबी मशीनें। और मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों के लिए जारी की भीषण गर्मी की चेतावनी, दोपहर के समय घरों से बाहर नहीं निकलने की दी सलाह। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कृषि संग्रहालय का भ्रमण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर हरित क्रांति के इतिहास को तस्वीरों और दस्तावेजों के माध्यम से जाना। कृषि महाविद्यालय के डीन डॉक्टर शिवेंद्र कुमार कश्यप ने उपराष्ट्रपति को संग्रहालय की खासियत बताई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज जरूरत है कि किसान तकनीकी तौर पर मजबूत हो। देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को बढ़ाने के लिए किसान को अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के बाजारीकरण और मूल्य संवर्धन में किसानों की सहभागिता को समूह के रूप में बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे उन्हें अधिक आर्थिक लाभ मिल सके। उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने तराई भवन में चंदन का पौधा भी रोपा। आज के दिन सबसे बड़ी आवश्यकता है कि किसान तकनीकी रूप से अपने आप को आगे बढ़ाए, और इसकी ज्यादा आवश्यकता इसलिए है, यदि अगर कृषि को और भी ज्यादा योगदान हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में देना है, तो किसान को अभिन्न अंग होना पड़ेगा। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि खेत के ऊपर अन्न के अंदर उत्पादन में बढ़ोतरी की जाए। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुबह नैनीताल जिले के कैंची धाम पहुंचकर बाबा नीप करौली महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर समिति और प्रशासन की ओर से उपराष्ट्रपति को बाबा की मूर्ति भेंट कर स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कैंची धाम में आकर अभिभूत हूँ। ऐसे स्थान पर आकर आदमी आत्मा को पहचानता है। प्रदेश में चार धाम यात्रा जोरों पर है। चारों धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि चार धाम यात्रा संचालन के लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा में इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उनका कहना है कि जहां पिछले साल चार धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 50 लाख को भी पार कर गई थी, वहीं इस साल यह आंकड़ा 75 लाख तक पहुंचाने की संभावना है। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और सभी जिलों के स्थानीय प्रशासन ने परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्था में बदलाव कर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दी हैं। उन्होंने यह अनुरोध भी किया है कि जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं, वे सभी पंजीकरण करके ही यात्रा पर आएं। पिछले वर्ष यात्रा 56 लाख क्रॉस कर गई थी, और जिस तरह से इस वर्ष यात्रा चल रही है, लगभग हम समझते हैं 75 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी। तो जब इतना मतलब इतनी बढ़ोतरी हुई है, अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है यात्रियों की संख्या में, तो मैं समझता हूँ कि जब 6 महीने मतलब ग्रीष्म शीतकालीन बंद होने के बाद जब पूरा यात्रा रूट खुलता है, उस पर सारी जो आधारभूत व्यवस्थाएं हैं उनको फिर से संचालित किया जाता है, तो शुरुआती 3-4 दिन में छोटी मोटी समस्याएँ आती हैं, और वो इस बार भी आई। तो हम उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड और हमारा पूरा प्रशासन, पूरा पर्यटन विभाग और जितने भी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सभी विभाग इसमें मिलजुल के यात्रा को सकुशल संपन्न कराते हैं। सिर्फ पुलिस ही नहीं कराती,
और हम सारे विभाग सरकार के सारे अंग और सारे जिम्मेदार अधिकारी इस यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगे हुए हैं। मॉनसून भले ही अभी राज्य में नहीं पहुंचा हो, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने चारधाम यात्रा मार्गों में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि जिन जगहों पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड या रोड ब्लॉक की स्थिति हो सकती है, उन जगहों पर JCB मशीनों को तैनात रखने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य मार्गों के अलावा वैकल्पिक मार्गों को भी मॉनसून में प्रयोग के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, जिससे यात्रा सुचारू रूप से संचालित की जा सके। सारे लोग इस बार दर्शन के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं, चारों धामों में जा रहे हैं लोग। सड़क की व्यवस्था काफ़ी हम लोगों ने अच्छी की हुई है, पूरे चारों धाम की तरफ जो रोड जाते हैं हमारे, उस पर काफ़ी सारे रोड हमने नए भी बनाए हैं, और आगे क्योंकि मॉनसून भी आएगा तो उसके लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी की है। जहाँ पर हमारे लैंडस्लाइड जोन है, जहाँ पर पहले से ही हमें पता है क्रॉनिक जो एरियाज हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड होते रहते हैं, उनके लिए ऑल्टरनेटिव रूट्स कि कहाँ से अगर मान लीजिए ट्रैफिक फंसता है तो कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशन से सब जगह पे मशीनें प्लान की गई हैं, कुछ मशीनें विभाग की तरफ से लगाई जा रही हैं, कुछ जो ठेकेदार जिनके पास मेंटेनेंस में है रोड अभी उनके द्वारा लगाई जा रही हैं, और कुछ हम लोग और हायर कर रहे हैं मार्केट से। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग हेलीकॉप्टर के जरिए भी धामों की यात्रा करते हैं। ऐसे में हेली सेवाओं के नाम पर तीर्थयात्रियों के साथ धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा के महाप्रबंधक दयानंद सरस्वती ने कहा कि विभाग की ओर से www.heliyatra.irctc.co.in वेबसाइट चलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिन श्रद्धालुओं के साथ ठगी के मामले हो रहे हैं, उसकी सूचना तत्काल STF को दी जा रही है। STF अब तक कई फर्जी वेबसाइट्स को बंद भी कर चुका है। उन्होंने लोगों से आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही टिकट बुक कराने की अपील की है। देखिए, हम लोगों ने जब हेली सेवा प्रारंभ करने से पहले भी हम लोगों ने पूरे इंडिया में दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में, एक इंग्लिश और एक हिंदी में, पूरा एक ऐड निकाला था। उसमें हम लोगों ने लोगों को अपील भी की थी कि जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है irctc.heliyatra.com से ही टिकट बुक कराएँ, उसके अलावा अन्य को किसी भी उससे अवेयर रहें। तो उसके बाद जब हेली सेवा शुरू होने के बाद भी, उसके बाद भी हम लोगों ने एक पूरा पैन इंडिया दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी एक ऐड निकाला है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और ऐसा जो भी ऐसा सूचना आ रही है कि किसी के साथ ठगी की गई है तो उसकी सूचना तत्काल STF को दी जा रही है। STF द्वारा उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है और काफ़ी अभियोग भी दर्ज किए गए हैं, और ऐसी वेबसाइट और ऐसे लिंक जो डेवलप हो रहे हैं उनको ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी गतिमान है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ, तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ और उनको भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम विभाग ने कल राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 36 घंटों में प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में रात के समय भी तापमान अधिक रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य के तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान जौलीग्रांट में 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस वर्ष सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि आवश्यक काम होने पर ही लोग दोपहर के समय में घर से बाहर निकलें। मौसम विभाग ने 1 और 2 जून को राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने का अनुमान भी जताया है। तो इसकी वजह से देखेंगे जो तापमान की जो कंडीशन है, मैं कहूंगा अगले 2 दिन जो है ये करीब इसी तरह रहने वाली। आज कल अगर बात करें, परसों से इसमें थोड़ा कमी आनी शुरू हो जाएगी। परसों से जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो प्रदेश में थोड़ी बढ़ेगी, उसका जो है एरिया भी बढ़ेगा और इंटेंसिटी वाइज भी उनका एक्टिविटी वो बढ़ेगी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट फायर है उसके लिए भी एक कंडूसिव है, तो उसमें भी क्लोज एक वॉच रखना चाहिए।
हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरिद्वार प्रेस क्लब में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। इसमें पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार और दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार शमशेर सिंह शामिल हुए। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में जहां हिंदी के पत्रकारों का योगदान है, वहीं पाठकों का भी अमूल्य योगदान है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से नई पीढ़ी भी हिंदी पत्रकारिता को आगे बढ़ा रही है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मैं हिंदी भाषा में कार्यरत सभी पत्रकारों को और उनके पाठकों को सबसे पहले बधाई देता हूं, क्योंकि उनके परिश्रम से, उनकी लगन से और उनकी रुचि से, उनके पाठकों की रुचि से हिंदी भाषा आज भी हमारे देश में फल फूल रही है। और मैं समझता हूं जिस तरह से हमारे उत्तर भारत की संस्कृति का, हमारी परंपराओं का चित्रण और विश्लेषण हिंदी भाषा में संभव है, वो किसी अन्य भाषा में संभव नहीं है। उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा में पंजाब और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे दिवंगत बीडी पांडे की स्मृति में जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत चुनौतियों और स्थानीय स्तर पर उसके प्रभाव विषय पर एक दिवसीय व्याख्यान आयोजित किया गया। इस अवसर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। अर्थशास्त्री और भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे पद्मश्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने कहा कि पर्यावरण और जलवायु को बचाने के लिए कार्बन का उत्सर्जन शून्य करना होगा। पर्यावरण को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। लोग जानते हैं कुछ क्लाइमेट चेंज है, लेकिन उनको काफी इतना पता नहीं कि इसका क्या असर होगा, हम क्या कर सकते हैं इसको, मतलब इसका इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए, जिसे कहते हैं अडेप्टेशन, मिटिगेशन का मतलब ये है कि ट्राई करो कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो, और अडेप्टेशन का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, तो उसके उसको एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे ने कहा कि जलवायु परिवर्तन बढ़ते तापमान के कारण होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल, ग्लेशियर और नदियों पर असर पड़ेगा। 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां चमोली जिला निर्वाचन विभाग की ओर से पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में मतगणना कार्मिकों को प्रथम प्रशिक्षण दिया गया। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की 3 विधानसभा सीटों के लिए गोपेश्वर में मतगणना की जाएगी, जिनमें बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। दूसरा प्रशिक्षण 3 जून को दिया जाएगा। जिले के 3 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए 14-14 टेबल लगाई जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि आज मतगणना कार्मिकों को प्रथम प्रशिक्षण दिया गया, जबकि द्वितीय प्रशिक्षण 3 जून को दिया जाएगा और 4 जून को मतगणना होगी। निर्वाचन में 4 जून को मतगणना प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, उसके क्रम में आज 30 मई को प्रथम प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसके बाद द्वितीय प्रशिक्षण हमारा 3 जून को होगा और उसके पश्चात 4 जून को मतगणना की कार्रवाई की जाएगी। मतगणना प्रशिक्षण के मास्टर ट्रेनर मनोज तिवारी ने बताया कि सभी कर्मियों को विस्तार से पूरी जानकारी दी गई है। मतगणना से पहले और उसके बाद क्या क्या प्रपत्र भरे जाने होते हैं, उसके बारे में भी बताया गया है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कैंची धाम में किए बाबा नीप करोरे के दर्शन। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कृषि संग्रहालय का भी किया भ्रमण। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 75 लाख तक पहुंचने की संभावना, सरकार ने किए हैं पुख्ता इंतजाम। मॉनसून के पहुंचने से पहले चारधाम यात्रा मार्गों पर समस्याओं से निपटने का लोक निर्माण विभाग ने बनाया प्लान, तैनात की जाएंगी जेसीबी मशीनें। और मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों के लिए जारी की भीषण गर्मी की चेतावनी, दोपहर के समय घरों से बाहर नहीं निकलने की दी सलाह।
प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News Uttarakhand, हमारे यूट्यूब चैनल DD News Uttarakhand को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News Uttarakhand को भी फॉलो करें। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।